गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम क्लास 12th के हिस्ट्री के हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने चैप्टर 12 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम चैप्टर 13 स्टार्ट करेंगे, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसमें हम जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुई थी और उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, वो सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मेन फोकस महात्मा गांधी का होगा और कैसे वो एक नेशनलिस्ट मूवमेंट को डेवलप करने में सक्सेसफुल रहे, वो सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। आपके सपोर्ट से एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कंटेंट को प्रिपेयर करने का। चलिए तो शुरू करते हैं चैप्टर को। अब सबसे पहले इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं ऐसे लीडर्स के जो सिर्फ एक लीडर था बट उसने एक बहुत बड़ा चेंज एक जगह की हिस्ट्री में लाया, जैसे कि हो ची मिन्हा। ये एक वियतनाम फ्री करने में एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है इन्होंने प्ले किया था। इसी तरीके से ऐसे अलग अलग लीडर्स के नाम दिए गए हैं। तो हमारे कंट्री में जब हम इंडिया की बात करते हैं तो ऐसे एक इंसान का नाम उभर के आता है, वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को हम बापू या फिर अगर आप इंग्लिश में कहो तो फादर ऑफ द इंडियन नेशन के तौर से भी हम उन्हें रिगार्ड करते हैं। गांधी जी का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा था फ्रीडम स्ट्रगल में। बाकी सारे जो लीडर्स, जैसे अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो गांधी जी का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था और उनकी जो लाइफ थी सोसाइटी की, उसकी भी काफ़ी बड़ी हिस्ट्री है। और इस पूरे चैप्टर में हम देखेंगे कि जो गांधी जी इंडिया आए उसके बाद कैसे उन्होंने अलग अलग लोगों को इंस्पायर किया, पॉपुलर स्ट्रगल्स में पार्ट लिया, और उनका जो पूरा का पूरा मूवमेंट थी कि कैसे हर इंसान गांधी जी से जुड़ने लग गया था, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो पूरी टाइमलाइन है कि गांधी जी आए, फिर उन्होंने एक एक मूवमेंट की, और कुछ बुलेट पॉइंट्स जो नोट्स के तौर से आपको हेल्प कर सकते हैं, वो एक वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें प्रॉपर नोट्स हैं। आप उसकी पीडीएफ टेलीग्राम से भी ले सकते हो, वो आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक कर दूंगी मैम, आप वो वीडियो देख सकते हो, वो काफ़ी हेल्प करेगी आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चैप्टर का, ये तो बस आइडिया था कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हम शुरू करते हैं। अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ, यहाँ से अब ये चैप्टर शुरू होगा। और सबसे पहले हम गांधी जी की जर्नी, अभी हम यहाँ पे नेशनलिस्ट मूवमेंट्स को नहीं पढ़ेंगे इस वक्त, अभी हमारा मेन फोकस होगा कि ये जो महात्मा गांधी हैं, ये महात्मा बने उनसे पहले क्या हिस्ट्री थी, वो पूरी हम उनकी लाइफ के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो जिनको हम आज महात्मा गांधी बोलते हैं या बापू बोलते हैं, उनको एक्चुअली पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। ये जनवरी 1915, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है एमसीक्यू के तौर से, और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन भी लिखोगे कि अगर आपको इनिशियल फेज ऑफ गांधी जी के बारे में आए, तो उसमें जनवरी 1915 एक इम्पॉर्टेंट डेट है, जब 20 साल के बाद, लगभग 20 ईयर्स, जिसको हम 2 डेकेड्स कह सकते हैं, एक डेकेड में 10 साल होते हैं, ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन थी तो लगभग 2 डेकेड के बाद, यानी कि 20 साल के बाद गांधी जी वापस आए अपने होमलैंड। होमलैंड कौन सा है उनका? इंडिया। इतने सालों में वो कहाँ थे? इन 20 साल में वो साउथ अफ्रीका में थे और वहां पे वो लॉयर थे। एंड जिस टाइम में इंडिया की जो कम्युनिटी एंड टेरिटरी थी, अभी अगर हम हिस्ट्री हिस्टोरियन चंद्र देवन सेन, उन्होंने साउथ अफ्रीका को द मेकिंग ऑफ द महात्मा कहा था, कि जो साउथ अफ्रीका है उन्होंने इनको महात्मा बना दिया। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका था जहाँ पे गांधी जी ने नॉन वायलेंस के तौर से सत्याग्रह को प्रोटेस्ट करना, क्योंकि मोस्टली लोग, ये एक बहुत अलग तरीका था विद्रोह करने का, तो गांधी जी ने वहां पे सबसे पहले नॉन वायलेंट मूवमेंट के तौर से सत्याग्रह करना शुरू किया था। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि
कि जो गांधी, महात्मा गांधी है, वो साउथ अफ्रीका की मेकिंग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बट ये अगर 1% ये लाइन डिस्क्राइब करनी आ जाए कि चंद्र देवन सेन ने ये क्यों कहा था कि साउथ अफ्रीका वॉज द मेकिंग ऑफ महात्मा, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। ही प्रमोटेड हारमनी कि हर रिलीजन के बीच में एक हारमनी रहे, पीस रहे, और जो अपर कास्ट इंडियंस थे उनको भी इन्होंने एहसास दिलाया था कि जो डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट कास्ट के बेस पे या जेंडर के बेस पे, कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या जो वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसके ऊपर अलार्म किया कि इनको, अपर कास्ट इंडियंस को, उनको अलर्ट किया कि ये क्या हो रहा है जो कि ये गलत हो रहा है, मतलब ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। अब इंडिया में जब महात्मा गांधी 1915 में वापस आए, तो इंडिया बिल्कुल भी 1893 में जब वो इंडिया को छोड़ के गए थे और 1915 में जब वो वापस आए, इसके बीच में इंडिया बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा वो छोड़ के गए थे। हाँ, ये बात अलग है कि इस टाइम पे भी इंडिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर एक कॉलोनी के तौर से थी, और अभी भी इंडिया 1915 में भी अपनी कोई इंडिपेंडेंट नहीं कर पाई थी, वो अभी भी कॉलोनी ही थी। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस की अब काफ़ी सारी मेजर सिटीज़, जो बड़े बड़े शहर थे, टाउन्स थे, वहाँ पे अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपनी ब्रांचेस सेटअप करनी शुरू की थी। और स्वदेशी मूवमेंट कि हम जो ये इंडिया की बनी हुई चीज़ें हैं यही इस्तेमाल करो, स्वदेशी मूवमेंट 1905 से 1907 के बीच में हुई थी, इसने भी मिडिल क्लास लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया था। इस मूवमेंट में काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स उभर के आए थे। देखो, ये 1905 से 1907 की बात हो रही है, मतलब कि उस टाइम पे गांधी जी नहीं हैं, लेकिन ये उससे बैक की हिस्ट्री चल रही है कि जब इन सालों में गांधी जी यहाँ नहीं थे तो इंडिया में आखिर हो क्या रहा था, क्या सब बिल्कुल शांत बैठे हुए थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे भी मूवमेंट्स चल रही थी, स्वदेशी मूवमेंट हो चुकी थी, और बड़े बड़े लीडर्स, कुछ ऐसे लीडर्स थे जो उभर के आए थे जिनका नाम हमें बहुत बेहतरीन तरीके से पता है, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के, विपिन चंद्र पॉल बंगाल के, और लाला लाजपत राय पंजाब के। इनको बाल, पाल और लाल भी कहा जाता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बाल पाल लाल। तो ये एक काफी इम्पोर्टेंट लीडर्स थे जो उस वक्त उभर के आए थे, जो स्ट्रगल कर रहे थे। अब जो मॉडरेट्स थे वो क्या चाहते थे, और मतलब अलग अलग अप्रोच होती है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम लड़के करें, कुछ चाहते हैं कि नहीं, हम कुछ रेडिकल अप्रोच वाले होते हैं, कुछ मॉडरेट अप्रोच वाले होते हैं। तो हर लीडर अपने तरीके से अपोज करना चाहता था कॉलोनियल रूल को, इसीलिए ग्रुप ऑफ मॉडरेट्स मोर ग्रेजुअल और प्रस्पेक्टिव अप्रोच चाहते थे। जो मॉडरेट्स थे, जिनको होता है कि हमें शांति से मतलब चीज़ों को सुलझाना है, उनमें से एक थे गांधी जी, एक्नॉलेज पॉलिटिकल मेंटोर। गांधी जी के, अब ये क्वेश्चन भी एमसीक्यू में आ जाता है कि गांधी जी अपने पॉलिटिकल मेंटोर किसको एक्नॉलेज करते थे, तो उसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले, एज वेल एज मोहम्मद अली जिन्ना, हु लाइक गांधी जी वॉज अ लॉयर ऑफ गुजराती एक्सट्रैक्शन ट्रेन्ड इन लंडन। अब जैसे कि गांधी जी लॉ कर रहे थे, इसी तरीके से जो मोहम्मद अली जिन्हा थे उन्होंने भी लॉ कर रखा था, एंड ये दोनों गुजरात से बिलोंग करते थे। अब जब गांधी जी 1915 में आए तो इंडिया काफी बदल चुका था, तो गांधी जी को नहीं पता था कि इस वक्त इंडिया में क्या चल रहा है। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनको बोला कि आप पहले ब्रिटिश इंडिया जरा घूमिए, यहाँ के लैंड देखो, यहाँ के लोगों को समझो, वो बहुत जरूरी है, तभी आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये फर्स्ट चीज थी जहाँ पे गांधी जी ने हर चीज को एक्सप्लोर करना शुरू किया कि इंडिया में प्रॉब्लम्स हो कहाँ रही हैं और क्या हो रही हैं। सबसे पहली मेजर पब्लिक अपीयरेंस जब लोगों को पता चला कि ये मोहनदास करमचंद गांधी नाम का इंसान भी है, ऑल्दो काफी लोग इनके बारे में जानते थे क्योंकि इन्होंने साउथ अफ्रीका में भी काम किया,
बट पब्लिक अपीयरेंस इंडिया में इनकी सबसे पहले हुई BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, February 1916 में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े रिच लोग, जो उस टाइम पे किंग्स और प्रिंस प्रिंसेस वगैरह का रूल था, तो कुछ इवेंट्स वर प्रिंसेस एंड फिलेंथ्रोपिसिस्ट्स हुज डोनेशन हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फाउंडिंग ऑफ BHU। इन लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था किसके लिए? BHU को बनाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, जब आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आपको उसकी इनॉग्रेशन वहां पे जब BHU के लिए उसमें बुलाया ही जाएगा। और उसके अलावा एनी बेसेंट जैसे जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उनको भी बुलाया गया था। इन लोगों को काफ़ी सारी पब्लिक जानती थी पहले से। इनके कंपैरिजन में महात्मा गांधी को कोई ज़्यादा नहीं जानता था, ये कंपैरेटिवली अननोन थे। इनको क्यों बुलाया गया था? क्योंकि इनका जो साउथ अफ्रीका में काम था उसको देखते हुए, इंडिया के काम को देखते हुए नहीं बुलाया गया था, या फिर उनका कोई स्टेटस देखते हुए नहीं, जो वो साउथ अफ्रीका में काम करके आए थे उसके लिए उस तौर से इनको रिकॉग्नाइज करके बुलाया गया था। जब गांधी जी की बारी आई, मतलब ऑब्वियसली सब स्पीच देते हैं कि ऐसा 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 ऐसा, तो जब गांधी जी की बारी आई तो उन्होंने ओपनिंग में उन्होंने ये बोला, सर्टनली अ मोस्ट गॉर्जियस शो, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े एलीट लोग बैठे थे, रिच लोग बैठे थे जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था, लेकिन वहाँ पे जो गरीब इंसान, जो लेबर क्लास है, उसके लिए कंसर्न किसी के भी नहीं था। तो वो ये कह रहे थे कि जो रिचली नोबल प्रेजेंट हैं और जो मिलियन ऑफ पुअर हैं वो तो यहाँ पे हैं ही नहीं, एब्सेंट हैं। तो उनको लेके जो कंसर्न था, मतलब गांधी जी ने उस कंसर्न को शो किया और उन्होंने ये कहा कि ट्रस्ट कंट्री मैन इन इंडिया, इंडिया अनलेस यू स्ट्रिप योर सेल्फ फ्रॉम फॉर ऑफ दिस ज्वेलरी एंड होल्ड इट इन ट्रस्ट ऑफ योर कंट्री मैन इन इंडिया, सेल्फ गवर्नमेंट अबाउट अस। एंड उन्होंने बोला, मतलब वो काफ़ी सारी चीज़ें बोलते रहे। उन्होंने, उनका मेन पर्पस ये था कि जो पेजेंट है, जो लेबर है, उसके ऊपर अगर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे, उसके साथ आप नहीं खड़े हो, आप अपने फार्मर्स के साथ नहीं हो, तो अगर एक फार्मर नहीं, पेजेंट मतलब लेबर वो नहीं है वहां पे, तो फिर ए नाइदर द लॉयर, डॉक्टर, रिच लैंडलॉर्ड आर गोइंग टू बी सिक्योर, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है लेबर क्लास। अगर लेबर क्लास नहीं होगी तो हम सबकी लाइफ जितनी इजी है, आज जो हम काम आराम से कर पा रहे हैं, हम वो नहीं कर पाएंगे। और ये सब कुछ जब उन्होंने नेशनलिस्ट यूनिवर्सिटी में जब उन्होंने ये सब बोला, गांधी जी ने उस टाइम पे पेजेंट्स और वर्कर्स की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी वो रिप्रेजेंट नहीं हो रही थी उन ऑडियंस में, उन्होंने उनके बारे में बोलना चूज किया। जो गांधी जी की स्पीच थी बनारस में February 1916 में, वो एक स्टेटमेंट थी जो इंडियन नेशनलिस्ट और एलिट्स के लिए, लेकिन दूसरे तौर से वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट भी थी कि वो इंडियन नेशनलिज्म को प्रॉपरली एक्सप्लोर कर रहे हैं और वो उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ होल। क्योंकि जब उन्होंने एक स्पीच दी है उसके दो मायने हैं, एक तो वो जो लॉयर्स और एलीट क्लास है उनको वो बताना चाह रहे हैं कि उनका लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन है गरीब लोगों का, लेबर्स का, पेजेंट्स का। दूसरी तौर से वो उनकी फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस है, वो फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं पब्लिक के आगे, और वहाँ पे वो क्लियर कर रहे हैं कि मेरा सपोर्ट नेशनलिज्म को फुल है। जब लास्ट मंथ ऑफ द ईयर यानी कि 1916-1915 की बात हो रही है, ये गांधी जी ने अपॉर्चुनिटी देखी और जो कांग्रेस ने December 1916 में लखनऊ सेशन हुआ, ही अप्रोच्ड बाय द पेजेंट ऑफ चंपारण। ये देखो, जैसे जब मीटिंग होती है तो वहां पे गांधी जी भी बैठे हैं, तो जब वो बैठे हैं तो वहां पे चंपारण का एक किसान उनके पास आया और उसने बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स इंडिगो प्लांटेशन के कारण हमारा कितना अत्याचार कर रहे हैं हमारे ऊपर, हमारे साथ बड़ा हार्श ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अब द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब इसके बाद 1917 में, 1916 के दिसंबर में
गांधी जी ने लखनऊ में यह सेशन अटेंड किया कांग्रेस का, और एनुअल सेशन जो हर साल होता है, ये आपको आगे बहुत बार सुनने को मिलेगा, एनुअल सेशन ये हर साल होगा कांग्रेस का। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो इस सेशन में चंपारण का एक किसान आया गांधी जी के पास कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है। 1917 में गांधी जी चंपारण गए, उन्होंने वहां का हाल देखा कि यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है पेजेंट्स का। उन्होंने उनकी कल्टीवेशन, अपने उनके जो क्रॉप्स हैं, किसानों को उनको फ्रीडम नहीं थी वो कोई भी क्रॉप ग्रो कर सके, उनको वहां पे इंडिगो ग्रो करना पड़ता था। और एक बार इंडिगो ग्रो करने के बाद वहां का जो लैंड होता था वो उतना अच्छा नहीं रहता था, वो लोग नहीं ग्रो करना चाहते थे, पर उनके पास आजादी नहीं थी। तो फ्रीडम ऑफ कल्टीवेशन उस चीज को, और सिक्योरिटी, ये सब की आजादी गांधी जी ने चंपारण के किसानों को दिलवाई। उसके बाद 1918 में गांधी जी ने दो कैंपेन्स किए, एक तो उन्होंने गुजरात में किया जो कि लेबर्स के लिए था, डिस्प्यूट अहमदाबाद में, कि जो टेक्सटाइल मिल में काम कर रहे हैं उन लोगों की कंडीशंस को सुधारा जाए, और दूसरा वो जो पहला तो गुजरात में अहमदाबाद में, और दूसरा वो खेड़ा गए थे। खेड़ा में उन्होंने जो टैक्स, क्योंकि फसल खराब हो गई थी उन लोगों की, तो उन लोगों को टैक्स देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो किसानों के टैक्स जो फेलियर ऑफ हार्वेस्ट के कारण देने थे उनको माफ करवाया। तो ये जो तीन मूवमेंट चंपारण, अहमदाबाद और केड़ा में थी, इसने जो गांधी जी की पुअर को लेके सिंपथी थी और उनका सपोर्ट था उसको जगाया। लोकल लोगों की जो उनको उनके बारे में पता चला, लोकल लोगों को गांधी जी के बारे में। अब 1919 ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है, इसमें बहुत सारे इवेंट्स हुए। कॉलोनियल रूल ने डिलीवर्ड इनटू गांधी जीज लैप। अब क्या हुआ इस टाइम में, 1914 से लेके 1980 में, 1918 ये ग्रेट वॉर चल रहा था ब्रिटिश। इस टाइम पे सेंसरशिप ऑफ प्रेस लगा दी गई थी, इसका मतलब ये था कि अब प्रेस अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं छाप सकती, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। और दूसरी चीज कि इस टाइम फ्रेम में कोई भी इंसान, अगर उनको लगता है, वो बिना किसी ट्रायल के, उनको कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा, उनको डिटेन किया जा सकता है, डिटेंशन हो सकता है, यानी कि उनको जेल में डाला जा सकता है। तो ये सारी चीजें उस वक्त हो रही थी, ठीक है, ये बैकग्राउंड है। अब सर सिडनी रोलेट और रोलेट एक्ट की बात आने वाली है। ये जब टफ मेजर्स कंटिन्यू हुए तो गांधी जी ने कंट्री वाइड कैंपेन रोलेट एक्ट के अगेंस्ट लॉन्च किया। ये एक तरीके से देखा जाए तो होल लेवल पे पहला कैंपेन है जो गांधी जी ने इंडिया में लॉन्च किया है, वो है रोलेट एक्ट। नॉर्थ और वेस्ट इंडिया, ये वेस्ट यानी कि आपका गुजरात वाला जो पूरा एरिया है, ये वेस्ट में आता है। इस एरिया में लोगों ने शॉप्स बंद कर दी, स्कूल बंद हो गए, बंद कॉल हो गए, जैसे कहते हैं ना, हड़ताल हो गई, ना कोई स्कूल जा रहा है बच्चा, ना लोग शॉप्स खोल रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा, फुल प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और इसका सबसे ज्यादा जो प्रोटेस्ट जो चल रहा था वो था पंजाब में। अब वेयर मेन वर सर्व ब्रिटिश साइड ऑफ वॉर, तो अब यहाँ पंजाब से बहुत लोग उन ब्रिटिश की साइड से वॉर लड़ने के लिए जा रहे थे। अब रॉलेट एक्ट प्रोसीड होने के बाद लोकल कांग्रेसमैन को भी अरेस्ट कर लिया गया, सिचुएशन बढ़ी, तो ब्लडी क्लाइमैक्स हुआ अप्रैल 1919 में, जो कि हम सबको पता है कि ब्रिटिश के ब्रिगेडियर थे जनरल डायर, उन्होंने जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था उसको अंजाम दिया था। तो ये अप्रैल 1919 में हुआ, वहां पे बैसाखी सेलिब्रेशन चल रहा था, और रॉलेट सत्याग्रह में कुछ नेशनल लीडर्स थे जो सत्याग्रह उस जलियांवाला बाग में वहां पे कर रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था। तो इसके बाद गांधी जी ने कैंपेन नॉन कॉपरेशन शुरू किया कि अब कोई इंडियन ब्रिटिशर्स को कॉपरेट मत करो, उनकी उनको टैक्स मत दो, उनके कोर्ट में मत जाओ, उनकी जॉब मत करो, उनके कपड़े मत पहनो जो वो दे रहे हैं, खुद इंडिया के बने हुए कपड़े पहनो, उनके स्कूल कॉलेज कुछ भी अटेंड मत करो, उनकी बातों को कॉपरेट नहीं करना है, ये उन्होंने कहा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया।
इफ नॉन कॉपरेशन इज इफेक्टिव, गांधी जी ने बोला हम एक साल के अंदर अंदर स्वराज पा लेंगे। ये जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद शुरू हुआ है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो 1919 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ लोगों ने। अब इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए खिलाफत मूवमेंट को भी इसमें ऐड कर दिया ताकि ये और ज्यादा जोर पकड़े। खिलाफत मूवमेंट क्या थी बेसिकली? जो पैन इस्लामिज्म, तुर्किश जो कैलिफेट होते हैं वहां के जो रूलर्स थे वो लोग भी बड़े परेशान थे। तो एक तरीके से उस फैक्टर को भी इंक्लूड करके नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ अब दो चीजें इकट्ठी मूव होने लगी। गांधी जी को ये लगा कि जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दो मेजर रिलीजन कम्युनिटीज हिंदूज और मुस्लिम्स को भी कलेक्ट कर देंगी और इसके कारण पॉपुलर एक्शन लिया जाएगा और कॉलोनियल इंडिया को जल्दी फ्रीडम मिलेगी। तो इस बात को मानते हुए लॉयर्स ने कोर्ट जाना बंद कर दिया, बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, मतलब नॉन कॉपरेट करना शुरू कर दिया। 396 स्ट्राइक्स हुई 1921 में, 6 लाख वर्कर्स और लॉस ऑफ 7 मिलियन वर्क डेज, मतलब लोगों ने काम करना बंद कर दिया। इस तौर से अब क्या हुआ, हर इंसान ने अपने तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब निकालना शुरू किया। जैसे कि अब हिल ट्राइब जो पहाड़ों में नॉर्थ आंध्र प्रदेश यानी कि जो ईस्टर्न इंडिया में आता है हमारे, वहां के लोगों ने फॉरेस्ट लॉ, जो कुछ एरिया प्रोटेक्ट किया हुआ था गवर्नमेंट ने जहां लोकल लोगों का जाना अलाउड नहीं था, वहां जाना शुरू कर दिया, उनके लॉज को तोड़ दिया, वायलेट करना शुरू किया। पहला, दूसरा जो अवध में किसान थे उन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया। जो किसान इन कॉमन रिफ्यूज टू कैरी लोड्स ऑफ कॉलोनियल ऑफिसर्स, कॉलोनियल ऑफिसर्स का जो सामान उठा के एक जगह से लेके जाना है उन्होंने उससे मना कर दिया। और बहुत सारे लोकल नेशनलिस्ट्स ने भी अपने तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया, जिसको अपनी सुविधा के हिसाब से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो समझ आ रहा था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उस तरीके से कर रहे थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधीज अमेरिकन बायोग्राफर लुइस फिश्चर, उन्होंने लिखा कि लाइफ ऑफ इंडिया एंड द गांधी जी, नॉन कॉपरेशन वॉज नेगेटिव इनफ टू बी पीसफुल। कि जिस हिसाब से लोग एक तरीके से वायलेंस पे उतर आए थे तो वो कहीं से भी पीसफुल नहीं लग रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और लोग बिल्कुल भी डिसिप्लिन्ड नहीं थे। जो एक तरीके से नॉन कॉपरेट करना, वायलेंट नहीं होना, पीसफुल तरीके से जो हमें चीजें करनी थी लोग वैसा बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने ब्रिटिश राज को हिला के रख दिया था। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि ब्रिटिशर्स बिल्कुल हिल गए थे। फेब्रवरी 1922 में, सोचो 1919 से ये मूवमेंट चल रही थी, 1922 में कुछ पेजेंट्स ने पुलिस स्टेशन पे अटैक किया। ये चौरी चौरा मूवमेंट थी, ये आपको जरूर याद रखनी होगी। इसमें क्या हुआ था कि पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी एंड कुछ अराउंड 20 कुछ पुलिस मैन थे जिनको उसमें ही थे और उनकी डेथ हो गई थी, ब्रिटिशर थे वो। और जब ये वायलेंस की न्यूज़ स्प्रेड हुई तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया। नो प्रोक्लेमेशन ही इंसिस्टेड एंड जस्टिफाई ब्रूटल मर्डर ऑफ मैन। उन्होंने कहा कि मतलब आप किसी भी हाल से अपने डिफेंस के लिए किसी और को नहीं मार सकते, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा करने का ये नॉन वायलेंस नहीं है, ये तो बहुत बड़ा ही वायलेंस था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बहुत सारे इंडियंस को जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को भी मार्च 1922 में अरेस्ट कर लिया गया और जज जिन्होंने उनके ट्रायल को प्रोसीड किया वो थे सीएन ब्रूमफील्ड। उन्होंने एक रिमार्केबल स्पीच दी थी, इट वुड बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर द फैक्ट, रिमार्क द जज। उन्होंने ये बात जज को बोली कि ये इम्पॉसिबल है कि हम इस बात को इग्नोर कर दें कि दैट यू आर इन डिफरेंट कैटेगरी फ्रॉम एनी पर्सन, आई हैव ट्राइड और आई एम लाइकली टू ट्राई। इट वुड बी इम्पॉसिबल टू इग्नोर द फैक्ट दैट इन आईज ऑफ मिलियंस ऑफ कंट्रीमैन यू आर अ ग्रेट पेट्रियट एंड लीडर।
इवन दोज हु डिफर फ्रॉम यू इन पॉलिटिक्स लुक अप टू यू एज हाई आइडियल एंड इवन सेंटली। ये बात किसके लिए की कही जा रही है? ये बात गांधी जी के लिए कही जा रही है कि मैंने आज तक जितने लोगों को ट्रायल किया है या मैं जितनों को भी करूंगा, आप उन सबसे अलग हैं, और आपने अपने देश के जो लाखों करोड़ों देशवासी हैं, आप उनकी नज़रों में एक ग्रेट पेट्रियट, एक कितना देशभक्त, एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, आप एक बहुत बड़े लीडर हैं। और ऐसे लोग जो आपकी विचारधारा से एग्री नहीं भी करते, वो भी आपको लुक अप करते हैं कि आप कितने बड़े आइडियल और सेंटली लाइफ जीते हो। अब गांधी जी ने वायलेट तो किए थे लॉज, तो उनको 6 महीने की 6 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट हुई। बट जज ब्रूमफील्ड ने ये कहा कि अगर इंडिया के इवेंट्स में मेक इट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू रिड्यूस द पीरियड एंड रिलीज ऑन विल बी बेटर प्लीज देन आई। अगर इंडिया में उनको पहले रिलीज किया जाता है और उनकी पीरियड जो 6 ईयर्स का है उसको रिड्यूस किया जाता है, तो उनसे ज़्यादा और कोई भी खुश नहीं होगा। वो बहुत खुश होंगे मतलब इस बात पे। अब अ पीपल्स लीडर, इसके बाद अब गांधी जी को सब जानते थे। जब BHU में इवेंट हुआ था, तब वो साउथ अफ्रीका में जो काम करके आए थे, लोग उसके कारण जानते थे। लेकिन ये बात 1915-1916 की हो रही है, बट अब 1922 में उन्होंने जो इंडिया में एक स्ट्रगल शुरू की है, जिससे वो एक लोकल लोगों के दिलों में आ गए, लोगों को पता चल चुका है उनके बारे में, और उन्होंने जो 1916, 1917 और 1918 में चंपारण, केरल और अहमदाबाद में उन्होंने जो हेल्प की पेजेंट्स को, टेक्सटाइल वर्कर्स को, उससे अब वो एक लोकल लीडर बन चुके थे। उन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म कर दिया था, और जो उन्होंने BHU की स्पीच में कहा था वो एक्चुअल उन्होंने करके दिखाया था। अब तो आगे का अब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे वो एक पब्लिक लीडर बने, और अलग-अलग जो वो महात्मा का टाइटल था उनको कैसे मिला, ये सब बातें अब हम आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको अभी तक की वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट से एक बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कंटेंट को प्रिपेयर करने का। चलिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।